हेलो एवरीवन, आपको इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि ईटागढ़ पुल में धरना में बैठे हैं वो लोग का क्या मांग है, वो आपको दिखाएंगे सुनाएंगे। तो वो लोग क्यों बैठा है धरना में वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं ईटागढ़ पुल में, आपको डायरेक्ट वही दिखाएंगे। परिवार चलाते हैं, घर चलाते हैं, आज अगर उनकी एक दिन की रोजगार नहीं होगी तो वो आज परिवार चलाना मुश्किल हो जाएंगे। उसके छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। पूरे चारों तरफ आप देखेंगे तो सड़क में कीचड़ भरा हुआ है। केवल ये पुल जो है, पुल भी जर्जर ही है। मुश्किल से एक दो साल ही ये पुल टिकेगा मुझे लगता है। रविंद्र सिंह सरदार जी, आप यहाँ के पूर्व मुखिया हैं और वर्तमान में आप जब भी किसी से ताल्लुक रखते हैं, आप जो है यहाँ पर, यहाँ आप धरने में बैठे हैं तमाम ईटागढ़ पंचायत के लोगों को लेकर के, क्या ये पुल बनने के बाद सड़क बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी? आपको तो जानकारी होगी। तो अच्छा लगा कैसे डीपीआर बन गया, अभी पुल बन गया 13 साल आंदोलन करने के बाद। लगातार यहाँ लोग आंदोलन किए 13 साल के बनने के बाद, आज पुल बना। पुल बनने का 1.5 साल का बाद भी आज तक रास्ता नहीं मिला। लोगों का कितना परेशानी हो रहा इसका हम शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। माँ बहन का देखिए, टिफिन लेके जाते हैं, कितना गिरते हैं, पड़ते हैं, हर तरफ से खाली चीख आवाज, पूजा चीख और आवाज का पुकार सुनाई पड़ता है। लोग आज तरसता है। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, पूर्व मंत्री, यहाँ के ऑफिसर से क्या करेंगे लोग। आज व्यवस्था होकर यहाँ आंदोलन करने, आंदोलन करना पड़ा। बहुत बार लिखित दिया गया है, बहुत बार आंदोलन किया गया, लेकिन कतई कोई सुनवाई नहीं। हर हाल में ये क्यों दुर्दशा हो रहा है? 70 साल के बाद भी हमको मालूम नहीं है किस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है भारत में। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इतना कठिन साजा, ये नहीं होना चाहिए इतना ढंग से। पहले से नाम में बहुत अच्छा था, और जिससे बड़ा बेजोड़ बैठ ढेंग हो गया, उससे बहुत कष्टदायक हो गया, पीड़ा हो गया। लग तरह में क्राइम ही माम है, लोग अपना पीड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज वो ठान लिए हैं कि भाई जब तक बड़ा ऑफिसर आ गए हैं, आश्वासन ठोस आश्वासन नहीं देता है, काम नहीं करे, सड़क नहीं, रोड है तो वोट नहीं, या हम लोग और कुछ उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोग सड़क में आ खड़े हैं, फिर जाके डीसीपी से धरना के देंगे, पूरा सदन में देंगे। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे, यहाँ पुल का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद ये सड़क भी बनना था, लेकिन सड़क तो यहाँ जीरो है, नाम मात्र भी नहीं है सड़क। चारों दोनों तरफ आप देखेंगे तो कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, पुल बन जाता है। हमारे जो केंद्र के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर गांव में सड़क, हर गांव में आने जाने की व्यवस्था होगी, लेकिन ये ईटागढ़ पंचायत के लोग आज सैकड़ों वर्षों से ना बिना सड़क के रह आना जाना करते थे। पहले तो नाव से आना जाना करते थे, पुल बना, पुल बनने के बाद अब सड़क की व्यवस्था नहीं है। सड़क अब मैं बता दूं कि पुराना सड़क करीब करीब 1955-60 में बना था, वो सड़क आज पूरी तरह से टूट चुका है, और उसमें अब जो है लोग उस सड़क पर घर भी बना चुके हैं। मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी रवि सरदार जी, अब जो ये व्यवस्था आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में अगर कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी या आपके विधायक नहीं आते हैं, आप लोग क्या लगातार अनिश्चितकाल का धरना में बैठेंगे? एकदम धरना में बैठेंगे। यहाँ जो कोई बड़े पदाधिकारी, अधिकारी या आश्वासन, ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तो हम लोग तो ठान लिए कि जो उतना बार जीता है, 7 बार जीता है, कितना दरिया दिली है यहाँ के लोग, इतना पुल नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं, यहाँ कितना उपस्थिति में फिर भी ये लोग वोट जीता के दिए हैं 7 बार। अभी सीएम बनाए हैं, मंत्री तो बनाए, सीएम भी बना दिया, लेकिन आप कितना बड़ा दुर्भाग्य, एक छोटा सा पुल नहीं बना, 1 साल के पुल बना, 13 साल में, 13 साल में पुल बना, उसके बाद रोड नहीं, जयपुर रोड कितना गिरते पड़ते पड़ते, अब कितना कठिन परेशानी करते, कितना संघर्ष करते लोग, इससे बड़ा बड़ा क्या होगा। लेकिन आज लोग वो भलाई नहीं, आज लोग जान गए हैं, जाग गए हैं कि हम लोग सड़क नहीं, अप्रोच रोड नहीं, तो वोट भी नहीं, और यहाँ से उठने का भी नहीं हम लोग सोचेंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ अगर सरकार, लोकतंत्र है तो कोई आएगा, और लोकतंत्र नहीं है या लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं रखता है या व्यवस्था कुछ सरकार का नहीं है, तो हम लोग पड़े रहेंगे, हम लोग अपना कुछ उपाय करेंगे, या नहीं तो पुल को तोड़ दिया जाए, या इसको नहीं तो ब्रेकेट लगा दिया जाए। ये पुल बेकार जनता के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं बनाया गया है, सीधा बात है। तो अब यहाँ के बाद अगर सड़क की कोई आपको सरकार के द्वारा, हमेशा जो इंजीनियर आते जाते रहते हैं, क्या उन लोग देखते नहीं है सर? देखते रहते, देखते इस तरह हाल नहीं होता है। सरकार अगर ध्यान देता है, सरकार के अधिकारी अगर ध्यान देते हैं, तो इस तरह का हाल नहीं होता, इतना बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, इतना बड़ा लोग आक्रोशित नहीं होते, इतना जन आक्रोश नहीं होते, लोगों के प्रति कितना आक्रोश है, कितना दुख है, कितना पीड़ित है, यह बयान नहीं कर सकते लोग। लेकिन आज वही बयान करने के लिए, उसको आज मुहूर्त देने के लिए
धरातल मेरे लोग बैठ गए हैं, क्या कोई सरकार है या सरकार के यहाँ लोकतंत्र है तो यहाँ आएंगे, देखेंगे, बोलेंगे, करेंगे, सीधा बात है। तो यहाँ पर चंपा सोरेन जी से मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा, किस तरह से आक्रोशित है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ईटागढ़ पंचायत के लोग ये वीडियो को इतना से इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि हर एक नेता मंत्री तक पहुंच सके, हर एक आदमी तक पहुंच सके। वीडियो ट्रेंडिंग में जाना चाहिए। आपका ईटागढ़ का ये पुल जो उस पार है, अभी हम दूसरे पार में ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो को इतना से ज्यादा शेयर कीजिए कि नेता मंत्री तक पहुंच सके, नरेंद्र मोदी तक पहुंच सके और ये ईटागढ़ का रोड बन सके।